जय साथियों, मैं आपका दोस्त जितन वानखड़े। पिछले 19 दिनों से हम यहाँ पर धरना दे रहे थे और हमारी बात प्रशासन नहीं सुन रही है, इसलिए हमने 4 मार्च से आमरण उपोषण शुरू किया है। आमरण उपोषण में हमारे अभी तक 4 साथी हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है और हम पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बना जा रहा है कि आप अनशन छोड़ दीजिए और आपकी मांग ये केंद्र सरकार की है और ये महाराष्ट्र से कैसे पूरी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर केंद्र का मंत्री यहाँ से चुना जा सकता है, महाराष्ट्र से, गांव खेड़े से, तहसील से अगर केंद्र का मंत्री चुना जा सकता है तो हमारी बात केंद्र तक क्यों नहीं पहुँच सकती। इस वजह से हम भारतीय केंद्र भूमि नागपुर संविधान चौक से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसके साथ में आप देख सकते हैं ये पीछे जो देख सकते हैं आप अभी रात के 9 बज चुके हैं। इस वक्त सभी अनशन पर जितने बैठे हैं वो आराम कर रहे हैं और बाजू में ही रात के लिए एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कुछ होता है तो सिर्फ एम्बुलेंस हमारी हॉस्पिटल तक पहुंचाती है और हमारी, मगर प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। आप हमारी एक सहायता कर सकते हैं, आप जिस संगठन से है, जिस संस्था से है, आपके लेटर पैड पर हमारा मुद्दा आप गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, पंतप्रधान के भेजिए और हम पर जो अन्याय हुआ है वो उस अन्याय के खिलाफ आप हमारे साथ खड़े रहिए। इतना कहता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।